नमस्कार दोस्तों, मैं सरला सरला क्लासेस चैनल में आप सभी का एक बार फिर से स्वागत करती हूँ। दोस्तों, बैंडेज या बाइंडर्स के बारे में आज हम बात करने वाले हैं, क्योंकि ये इमरजेंसी के कंडीशन में बहुत ज्यादा ही काम आता है। ऐसे कोई भी सिचुएशन हो जिसमें कि इमरजेंसी कंडीशन हो, आपको ब्लड रोकना हो, उस समय भी हम बैंडेज या बाइंडर्स का यूज करते हैं। लेकिन इमरजेंसी कंडीशन इसे भी कहा जा सकता है जिसमें कि आप किसी चीज को प्रोटेक्शन प्रोवाइड करते हैं और साथ ही किसी चीज को हम क्या करते हैं, इमोबिलाइज करना चाहते हैं किसी बॉडी पार्ट को, उसके लिए भी हम बाइंडर्स या बैंडेजेस का यूज करते हैं। उसी के बारे में बात करेंगे कि क्या और इसके कौन कौन से एडवांटेजेस हैं या कौन कौन से और चीजों में इसको अप्लाई किया जा सकता है। दोस्तों, पहले भी आपने वीडियो देखी होंगी जिसमें कि आपको सिर्फ बैंडेज की थ्योरी के बारे में बता दिया गया होगा, लेकिन इस वीडियो में मैं तो नहीं, क्योंकि पहले आपको जरूरी होगा थ्योरी पढ़ना ही जरूरी है, तो मैं इसमें थ्योरी बताऊंगी और साथ ही आगे के वीडियोस में मैं आप लोगों को बताऊंगी कि किस तरीके से बैंडेजिंग किया जाता है, कौन कौन सी बैंडेजिंग जो है करने के लिए कौन कौन सा तरीका यूज किया जाता है। आप हमेशा ही जानते होंगे कि पहले थ्योरी पढ़ना जरूरी है, लेकिन बहुत सारे वीडियोस में ओनली थ्योरी जो है आपको बता दी जाती है, लेकिन मैं ऐसा नहीं करूंगी। आपको स्टेप बाय स्टेप जो है बैंडेजेस या बाइंडर्स के बारे में, साथ ही स्लिंग्स के बारे में भी मैं आप लोगों को एक्सप्लेन करने वाली हूँ। दोस्तों, बैंडेज या बाइंडर्स, अगर बैंडेज हम देखें तो कोई भी मटेरियल का बना हो सकता है जो इलास्टिक हो या फिर जो हमें प्रोटेक्शन प्रोवाइड करे। लेकिन अगर हम मेडिकल बैंडेजेस की बात करें तो हम उसे कहते हैं क्रेप बैंडेजेस। वो बहुत सारे साइज में आते हैं, उसके बारे में आगे बात करूंगी, लेकिन सबसे पहले जान लेते हैं कि बैंडेजेस का यूज जो है स्पेशली क्यों किया जाता है, या बैंडेजेस ऐसा क्या चीज है जिससे हमें मेन काम जो होता है। वैसे तो इसको इमरजेंसी कंडीशन में ही यूज किया जाता है, या फिर जब आप किसी पार्ट को गर्म रखना चाहते हैं उसके लिए यूज किया जाता है, लेकिन आगे इसके बारे में अच्छे से बात करते हैं। तो सबसे पहले यहाँ पर आप देख पा रहे होंगे अप्लाइड, हम बैंडेज को अप्लाइड करते हैं, कहाँ अप्लाई करते हैं, ठीक है। अप्लाइड ओवर एंड अराउंड द ड्रेसिंग, हम क्या करते हैं, ओवर या फिर अराउंड द ड्रेसिंग हम क्या करते हैं, बैंडेजेस का यूज करते हैं। क्यों यूज करते हैं, टू प्रोवाइड एक्स्ट्रा प्रोटेक्शन एंड थेराप्यूटिक बेनिफिट्स। हम क्योंकि एक्स्ट्रा प्रोटेक्शन प्रोवाइड करना चाहते हैं, कभी कभी किसी चीज से अचानक से चोट लग जाती है तो उसमें बहुत ज्यादा दर्द होता है, तो हम एक्स्ट्रा प्रोटेक्शन प्रोवाइड करना चाहते हैं, या फिर उस जगह को दिखाना चाहते हैं कि यहाँ पर आपको टच नहीं करना है, बैंडेजेस लगे हुए हैं। साथ ही इसमें क्या है, थेराप्यूटिक बेनिफिट्स भी मिलता है। इसके कौन कौन से बेनिफिट्स हैं, थेराप्यूटिक बेनिफिट्स, उसके बारे में भी देख लेते हैं, जिसमें कि सबसे पहले है क्रिएटिंग प्रेशर ओवर द बॉडी पार्ट। जिस एरिया पर सूजन हुई है तब हम बैंडेजेस का यूज करते हैं, तो वो क्या करता है, एक्स्ट्रा जो प्रेशर है या प्रेशर जो है प्रोवाइड करता है किसमें, बॉडी पार्ट्स में। नेक्स्ट है इमोबिलाइज द बॉडी पार्ट, साथ ही ये किसी जो बॉडी पार्ट में अगर चोट लगी हुई है, अगर आप बैंडेजिंग करते हैं तो वो इमोबिलाइजेशन उसमें या फिर मोबिलाइजेशन उसमें नहीं हो पाता है किसी भी बॉडी पार्ट में, तो इसलिए भी हम क्या करते हैं, बैंडेजेस का यूज करते हैं। नेक्स्ट है सपोर्टिंग अ वुंड, साथ ही हम क्या करना चाहते हैं, हम पहले प्रोटेक्शन तो प्रोवाइड करना ही चाहते हैं, लेकिन हम उसको सपोर्ट भी करना चाहते हैं कि वो जल्दी हील हो, या फिर अगर जो इमोबिलाइज नहीं कर रहे हैं तो उसमें ज्यादा प्रॉब्लम ना हो, इसलिए भी हम क्या करते हैं, बैंडेजेस का यूज करते हैं। नेक्स्ट है रिड्यूसिंग अ प्रिवेंशन प्रिवेंटिव एडिमा, जैसे कि मैंने बताया ये क्या करता है, क्रिएट करता है प्रेशर को, जिससे कि क्या हो, जो एडिमा है ये जो सूजन है वो क्या हो जाए, कम हो जाए। नेक्स्ट है सिक्योरिंग अ स्प्लिंट, हम क्या कर रहे हैं, स्प्लिंट अगर लगी हुई है तो उसको भी सिक्योर करने के लिए हम क्या करते हैं, बैंडेजेस या बाइंडर्स का यूज करते हैं। नेक्स्ट है सिक्योरिंग ड्रेसिंग्स, ड्रेसिंग्स हुई है कहीं किसी भी पार्ट में, किसी भी जगह पर हुई है, ज्यादातर हैंड या फिर लिंब में अगर हुई है तो उस पार्ट को सिक्योर करने के लिए, या फिर अगर ट्रंक एरिया में हुआ है उस सभी को सिक्योर करने के लिए भी, या ड्रेसिंग को सिक्योर करने के लिए हम बैंडेज या बाइंडर्स का यूज करते हैं। साथ ही मैंने इसके मटेरियल के बारे में भी आप लोगों को बताया कि ये तो गौच पीस का या फिर कुछ इलास्टिक चीजों का भी बना हुआ होता है। दोस्तों, जैसा कि मैंने आप लोगों को बताया कि
बैंडेजेस हैं वो बहुत सारी चीजों के बने होते हैं, जैसे कि गॉज है, अगर हम सिंपली ड्रेसिंग करना चाहते हैं या सिंपली उस एरिया को कवर करना चाहते हैं उसके लिए हम गॉज का यूज कर सकते हैं, या फिर इलास्टिक जो मटेरियल होता है उससे बना होता है। लेकिन हम ज्यादातर जब हॉस्पिटल एरिया में यूज करते हैं तो कुछ इस तरीके के बैंडेजेस का यूज किया जाता है। ये तो इस तरीके का बैंडेज जो है वो यूज करने में बहुत ही अच्छा होता है। इसमें बहुत सारे साइज अवेलेबल होते हैं, अगर अलग अलग बॉडी पार्ट्स के लिए हम अलग अलग टाइप जो साइज है उसके बैंडेजेस का यूज करते हैं। आगे दोस्तों हम बात करते हैं कि कौन कौन से प्रिंसिपल होते हैं, अगर हम बैंडेजिंग करना चाहते हैं तो हमें कौन कौन से प्रिंसिपल्स को फॉलो करना चाहिए जिससे कि पेशेंट को प्रॉब्लम ना हो और साथ ही जो उसके बॉडी की इंटेग्रिटी है और साथ ही उसकी सर्कुलेशन है वो अच्छे से बनी रहे। सबसे पहले देखते हैं दोस्तों इसमें कि क्या है प्रिंसिपल, जिसमें कि है इंस्पेक्शन। आपको इंस्पेक्ट करना है कि कहीं पर एब्रेशन तो नहीं है या फिर वहां पर वुंड एजेस तो नहीं है, क्योंकि जब आप इन सब चीजों का ध्यान रखेंगे, इंस्पेक्शन करेंगे तो वो पेशेंट के लिए बहुत ही ज्यादा अच्छा होगा, उसको आगे वो जो वुंड में है वो प्रॉब्लम नहीं होगी। नेक्स्ट करना है आपको एक्सपोज और ओपन वुंड। आपका जो वुंड है वो किस तरीके का वुंड है ये भी आपको देखना है, जो पेशेंट के में वुंड अभी प्रेजेंट है, अगर वो ओपन वुंड है या एक्सपोज वुंड है तो आप उसको ड्रेसिंग कर दे, ताकि जो भी फ्लूड अगर बाहर आ रहा है या फिर उसमें से पेशेंट को प्रॉब्लम हो रही है तो वो प्रॉब्लम ना हो। अगर आप ड्रेसिंग करते हैं तो उसको स्पेशल जो प्रोटेक्शन है वो प्रोवाइड हो जाएगा। नेक्स्ट है इंस्पेक्ट ड्रेसिंग। सबसे पहले जैसा कि मैंने बताया, अगर ओपन या एक्सपोज्ड वुंड है तो आपको क्या करना है, ड्रेसिंग करना है। लेकिन बहुत समय तक अगर ड्रेसिंग जो है लगा हुआ है और ड्रेसिंग जो है वेट हो चुका है, मतलब गीला हो चुका है, तो उस समय भी आपको बैंडेजेस जो है वो नहीं लगानी है। सबसे पहले आपको जो वेट ड्रेसिंग है उसको चेंज करना है, चेंज करने के बाद ही आपको जो बैंडेजेस है, न्यू बैंडेजेस या न्यू जो अगर आप अप्लाई कर रहे हैं उस समय, तो आपको ड्रेसिंग को चेंज करके आपको अपना बैंडेजेस जो है वो पेशेंट के में लगाना है, ठीक है। उस समय आपको ध्यान रखना है कि ड्रेसिंग जो है वो वेट नहीं होना चाहिए। नेक्स्ट है स्किन इंटेग्रिटी। स्किन इंटेग्रिटी में आप देखेंगे कि कहीं पैलर तो नहीं है, अगर पैलर है, साइनोसिस प्रेजेंट है, साथ ही नंबनेस है, तो आप ध्यान, पीलापन है यहाँ पर, ब्लूनेस है या ब्लू कलर कुछ है, या नंबनेस है उसमें बहुत ज्यादा ही, स्वेलिंग भी अगर प्रेजेंट है तो आप उसको हटा देंगे, ठीक है। जो आपकी बैंडेजेस आपने किया हुआ है या पहले से बैंडेजेस प्रेजेंट है जिससे कि बाहर के एरिया में स्वेलिंग आ रही है और सर्कुलेशन जो है वो अच्छे से नहीं हो पा रहा है, साथ ही साइनोसिस अगर प्रेजेंट है पेशेंट के में या फिर पेशेंट जहां पर ड्रेसिंग किया हुआ है उस एरिया को भी आप, तो आपको ध्यान में रखना है, अगर आप बैंडेज या बैंडर्स लगाने के लिए जा रहे हैं या बैंडेजिंग करने के लिए जा रहे हैं तो आप इन सभी चीजों को देखकर ही बैंडेजिंग करें। ये था प्रिंसिपल, चार प्रिंसिपल है जिसमें कि आपको इंस्पेक्ट करना है, साथ ही एक्सपोज या अगर ओपन वुंड है तो आपको ड्रेसिंग करनी है, और आपको साथ ही आगे ड्रेसिंग को भी इंस्पेक्ट करना है कि कहीं ड्रेसिंग में गीलापन तो नहीं है, तो आप उसको भी चेंज करेंगे, और साथ ही स्किन इंटेग्रिटी को भी आपको ध्यान में रखना है जिस समय आप बैंडेजिंग करने जाते हैं या बैंडेजिंग चेंज करने के लिए जाते हैं। आगे दोस्तों हम बात करते हैं कि कौन कौन से बैंडेजेस साइज जो है वो कौन कौन से बॉडी पार्ट के लिए हमें यूज करना चाहिए जिससे कि बैंडेजिंग है वो बहुत अच्छे तरीके से हो। तो इसके लिए आप फिंगर के लिए अगर हम देखें तो इसमें 1 इंच का बैंडेज यूज करते हैं, जैसा कि मैं आप लोगों को दिखा रही हूँ। साथ ही हैंड एंड आर्म के लिए, हैंड एंड आर्म के लिए आपको यूज करना है 2-2.5 इंच का बैंडेज, ठीक है। या तो आप 2 इंच का यूज कर सकते हैं या 2.5 इंच का बैंडेज भी आप यूज कर सकते हैं। साथ ही लेग के लिए, लेग के लिए आप यूज करते कर सकते हैं 3 या फिर 3.5। आप 3 इंच का भी यूज कर सकते हैं या फिर 3.5 इंच का भी बैंडेज आप यूज कर सकते हैं। नेक्स्ट है ट्रंक। ट्रंक मतलब पेट के पार्ट के लिए जिसमें कि ज्यादा एरिया आपको कवर करना होता है, और ये सर्कुलर तो रहता ही है लेकिन साथ ही इसमें ज्यादा एरिया कवर करना होता है, इसलिए हम ट्रंक के लिए 4-6 इंचेस के जो
बैंडेजेस होते हैं उसका यूज करते हैं, ठीक है। अगर अवेलेबल है ये सभी चीजें तो आपको कोई भी परेशानी नहीं होगी, ठीक है। ये थे आपके बैंडेज या बाइंडर्स के बारे में जानकारी कि आपको किस किस तरीके से ध्यान रखना है, कौन सा प्रिंसिपल यूज करना है, साथ ही बैंडेज जो है वो किस काम के लिए यूज किया जाता है, और कौन कौन से बैंडेज जो है कौन कौन से साइज में यूज करने हैं, कौन कौन से बॉडी पार्ट के लिए। आगे की वीडियो में दोस्तों मैं आप लोगों को बताऊंगी कि बैंडेजिंग कैसे करते हैं, अलग अलग टाइप के बैंडेजेस के बारे में बात करेंगे, जिसमें कि सबसे पहले मैं आप लोगों को बैंडेजिंग के बारे में बताऊंगी कि स्पाइका ऑफ एट या अलग अलग टाइप के जो बैंडेज हैं वो कैसे बनाए जाते हैं। लाइव डेमो होगा ये आप लोगों के लिए, ताकि आप अच्छे से सीख सके कि बैंडेजिंग की टेक्निक क्या है, और वो आपके लिए बहुत ही अच्छा बेनिफिट भी होने वाला है। तो बने रहे सरला क्लासेस चैनल के साथ।